केवल 2 रुपए में होगा 1 किलोमीटर का सफर तय। इस दिन से दौड़ेगी गोली की तरह चलने वाली ट्रेन। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की सबसे तेज चलने वाली रैपिड रेल में केवल 2 रुपए में 1 किलोमीटर का सफर आप देख सकते हो। दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर की दूरी केवल कुछ मिनट में ही तय कर सकते हो। दिल्ली और मेरठ के बीच गोली की तरह चलने वाली रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक सबसे कम रेट में आप दिल्ली से मेरठ तक पहुंच जाओगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 82 किलोमीटर का सफर आप ज्यादा से ज्यादा 170 रुपए में तय कर सकते हो। दिल्ली से मेरठ के बीच बनने वाली रैपिड रेल पूरे रूट पर 2025 तक शुरू हो जाएंगी। इसको 3 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर के बीच में चलेगी। बताया जा रहा है कि होली तक देश की सबसे पहली और गोली की तरह चलने वाली रैपिड रेल पटरी पर आ जाएगी। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, अब केवल उद्घाटन होने की देरी है। मिली जानकारी के मुताबिक RRTS कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर वक्त मांग लिया है। पहले चरण में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन शामिल है। DPR के मुताबिक 1 किलोमीटर का सफर तय करने में ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की कीमत लगेगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर का सफर ज्यादा से ज्यादा 170 रुपए में हो जाएगा। किराए के लिए किसी निजी एजेंसी का चयन नहीं किया गया है। मेट्रो बनाने वाली कंपनी सब कुछ तय करेगी। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर रूट पर दौड़ेगी। इस रैपिड के माध्यम से दिल्ली से मेरठ के बीच सिर्फ 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि रोजाना 8 लाख से अधिक यात्री इस रेल का फायदा ले सकते हैं। पहले चरण में गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से दुराई डिपो तक रैपिड रेल दौड़ेगी। पहले चरण में 17 किलोमीटर में रैपिड रेल चलेगी। इस ट्रेन को अत्यधिक आधुनिक तकनीकी से तैयार किया गया है। यात्रियों को इसमें बेहद आराम महसूस होगा। रैपिड रेल की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।